2019 से स्टार्ट होते ही Redmi ने अपना Redmi Note 7 लॉन्च करके तहलका सा मचा दिया है, जिसमें आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का कैमरा। जी हाँ, 48 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ Redmi ने अपना Redmi Note 7 लॉन्च कर दिया चाइना के अंदर। तो चलिए देखते हैं, इसका डब्बा खोल करते हैं, देखते हैं आपको इसमें क्या क्या। सिलिकॉन केस, चार्जर, इन सब के अलावा आपको जो मिलता है ना, साथ में 48 मेगापिक्सल का एक कैमरा मिलता है इस फ़ोन के अंदर आपको, बहुत ही औसम सा कुछ इस तरीके से आपको लुक और डिज़ाइन देखने को मिलता है। चलिए एक बार मैं कंप्लीट ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कैसा स्मार्टफोन दिखता है। इसमें USB-C भी मिलता है आपको, ईयरफोन जैक भी मिलता है 3.5 mm, साथ में आपको मिलता है आईआर ब्लास्टर, तीन वेरिएंट और तीन कलर में आपको ये देखने को मिल जाता है, पिंक, ब्लू, ब्लैक कलर में, और 3/32, 4/64 और 6/64 में आपको देखने को मिल जाता है ये स्मार्टफोन। आप देख सकते हो 6.3 इंचेस की इसमें LCD फुल HD प्लस डिस्प्ले दी हुई है, और कैमरा ऑसम है यार। मतलब बार बार मेरा दिमाग तो कैमरे पे ही जाके अटक जा रहा है कि इसका कैमरा कैसा होगा। तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे कि कुछ कैमरा सैंपल्स भी, इसके फोटोज़ कैसे आते हैं इस फ़ोन से। आपको मैं बता दूँ, 48 प्लस 5 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 13 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिलता है इसमें। और कैमरा में आपको AI का सपोर्ट मिलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अगर इसके कुछ कैमरा सैंपल्स को देखें तो पता चलेगा कि इसके कैमरास कितने बेहतर हैं, जूम करने के बाद भी बहुत कम फट रहे हैं, यानी कि मस्त सा कैमरा मिलता है। कैमरा बीस्ट होने वाला है इस रेंज में, और आपको मिलता है साथ में स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर, जो कि एक अपने में कमाल का है, बहुत लेटेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी बहुत पावरफुल है। फिलहाल 636 से तो बेहतर है, और आपको USB-C भी मिल जाता है जो कि एक कमाल का है, यानी फाइनली Xiaomi अपना माइग्रेट कर चुका है USB-C पर। मैं आपको बता दूं कि ये Xiaomi नहीं है, ये Redmi है, Redmi अब अलग हो चुका है Xiaomi कंपनी से, उसके बाद इसने ये फ़ोन लॉन्च किया। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके मुझे नीचे ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे आपके लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।